महाराष्ट्र में मस्जिद में जो अटैक हुआ है, ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है, और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानी माजों को, जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया, और अब पुलिस तमाशा ही बनी बैठी रही। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहाँ की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे, और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की, इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करें, कितनों को अरेस्ट करें आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशा ही बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज़ उठाए ना, वो जो लोग, वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। आपने जो एक्सपी भी कहा, महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से जो पिलग्रिमेज स्कीम की बात की गई है, उसको लेकर किस तरह के आप? तो ये 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 रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है क्या? नहीं नहीं सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी सब कर रही है, ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं, एक दरगाह, एक मस्जिद, अरे ये क्या है भाई? ये आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओथ लिए ना, तो आपको सबको बराबर बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते हैं वहाँ की सरकार? मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते हैं वहाँ आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक कितने गुंडों ने घर तोड़ दिए जाते अब तक?